सो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 कंटिन्यू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना क्योंकि हर एक स्टेप आपको समझना होगा। एक भी अगर स्टेप चूके तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सो ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके टेक्स्ट बुक में। इन द फिगर, आपको एक फिगर दिया है टेक्स्ट बुक में, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। यहाँ पे मत देखो, अपना टेक्स्ट बुक खोलो और उसमें देखो फोटो है, फिगर है, पी और क्यू पैरेलल है एंड लाइन एल एंड लाइन एम आर द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पता है ना, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन, कुछ एंगल आपको दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं वो डायग्राम है कैसा, वो फिगर है कैसा। ओके, सो आप टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा डायग्राम दिया है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, लाइन पी और लाइन क्यू ये पैरेलल है और लाइन एम ये एक ट्रांसवर्सल है। अक्सर हमने देखा है फिगर में एक ट्रांसवर्सल होता है लेकिन इसमें दो है, लाइन एल और लाइन एम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब ये दोनों ट्रांसवर्सल है इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों पैरेलल है। अगर फोटो ध्यान से देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में तो लाइन एम और लाइन एल और लाइन एम थोड़े टेढ़े जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बी और डी करस्पॉन्डिंग है, जितना बी है उतना डी है, रॉन्ग। बिकॉज लाइन एल और लाइन एम ये पैरेलल नहीं है। हमने हमेशा कंडीशन लिखा है, गिवन लिखते थे याद है, इसमें भी लिखा है जब लाइंस पैरेलल होंगे तो ही हम आगे का सम कर सकते हैं। मैंने हमेशा वीडियो में कहा है क्यों, जब पैरेलल रहेगा तभी वो करस्पॉन्डिंग होगा, तभी वो अल्टरनेट होगा, तभी वो इंटीरियर एंगल 180 होगा। पर ऐसा इसमें नहीं है, आप बी और डी को सेम नहीं बोल सकते। समझ में आ गया, क्योंकि लाइन ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो ये है पी और क्यू। सब बहुत ध्यान से देखना है आपको, तो आपको जो गिवन दिया है वो तो लिखना ही है, क्वेश्चन में दिया है लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, आप देख सकते हो, एंड लाइन एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल। आपको अभी एक चीज करना है, अच्छा एक अपन एक टाइम पे एक चीज सॉल्व करेंगे। आपको ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है, करेक्ट। सो हम पहले ए और बी निकालते हैं। अब कुछ टाइम के लिए ये जो ट्रांसवर्सल है इसको भूल जाओ, ठीक है, खाली ऊपर वाले को देखो। आप ए देख रहे हो, ए ये देख रहे हो, ये पूरा कितना होगा 180, क्यों ये लाइन दिया है ना, ये कितना होगा पूरा 180। रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो आंसर शुरू करते हैं, और मैं एक लाइन लिखा है वो क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। कंसीडर एंगल जेड इन फिगर, मैं बताता हूँ डोंट वरी। पहले ये कर लो, ए निकालेंगे, ए प्लस एंगल ए प्लस 110 कितना होगा 180। रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है, मुझे एंगल ए का वैल्यू चाहिए, 110 के पहले क्या है प्लस, वहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ए मिल गया आपको, ठीक है। सो ये मिल गया, मैंने कहा था नीचे वाले लाइन को भूल जाओ। अभी मुझे बी चाहिए, बी, ठीक है, बी चाहिए मुझे। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा एक एंगल जिसका नाम होगा जेड, ठीक है, ये आपको पेंसिल से करना है, हाँ ये भी आपको पेंसिल से करना है, मेरे पास अभी पेन था तो मेरे पेन से कर दिया, ये आपको पेंसिल से बनाना है और आपको ऊपर लिखना है कंसिडर एंगल जेड इन फिगर। मैं अपने मन से एक एंगल जेड बना रहा हूं, तो बच्चों ध्यान से देखो, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल जेड होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जितना एंगल ए है उतना ही आपका एंगल जेड होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकता हूँ क्योंकि दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकता हूँ, ठीक है, चलेगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जेड, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन एंगल ए कितना है आपका 70 डिग्री, जो हमने नंबर वन दे के मतलब इसको निकाला था। तो अगर एंगल ए 70 है तो एंगल जेड भी कितना होगा 70, सो एंगल जेड इक्वल टू 70 फ्रॉम वन। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अगर एंगल जेड 70 है तो एंगल बी भी कितना होगा 70, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी आपको समझ में आया कि मैंने एंगल जेड क्यों लिखा था यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने के लिए, ठीक है। सो अगर एंगल जेड 70 है, ठीक है, फाइन, तो उसको नंबर तो फ्रॉम वन से मिल गया अपने को। एंगल बी इक्वल टू एंगल जेड, क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बी और जेड वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन एंगल जेड 70 है तो आपका एंगल बी भी कितना होगा 70, ठीक है।
आपका छोड़ो, ए और बी हो गया, अब सी और डी निकालते हैं, अब ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ, ठीक है, सी और डी को देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जितना सी है उतना ही ये है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैसे, ये दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो जितना सी होगा उतना ही 115 है, करस्पॉन्डिंग है, तो सी कितना है आपका, डायरेक्ट लिख दो, सी कितना है 115, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, अब ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री, अपने को डी निकालना है, अभी क्वेश्चन में बोले डी निकालने को, अभी अपने को 180 सॉरी डी निकालना है, सो ये पूरा कितना होगा 180, क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर, सो 115 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। तो एंगल डी निकालना है, 115 के पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस, वहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, 180 माइनस 115 कितना होता है, 65 डिग्री। सो लास्ट में लिखने का, ए कितना था, बी कितना था, सी कितना था और डी कितना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड से थोड़ा इजी है, इसमें आपको दिया है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ओके, और लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, ये एन है, एन लिखा है मैंने, सो जैसे ये क्वेश्चन में सिर्फ पी और क्यू पैरेलल थे, एल और एम नहीं थे, इसमें आपको एन और पी भी पैरेलल दिया है और एल और एम भी पैरेलल दिया है, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग या जो भी मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ए बी सी डी, तो हमेशा गिवन से शुरू करने का, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम हमको दिया है, और दूसरा क्या दिया है, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, ए बी सी डी, करे ए यहाँ पे है, ठीक है, ए यहाँ पे है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ भी मैं एक एंगल बनाऊंगा जैसा पिछले सब में किया था, ये पेंसिल से करना है आपको, नाम दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल डी, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कंसिडर एंगल डी इन फिगर, कंसिडर मतलब मान लो कि हमने एंगल डी बनाया है, बना सकते हो, अब एंगल डी क्यों बनाया मैं बताता हूँ, अगर ये 45 डिग्री है तो ये डी कितना होगा, 45 डिग्री, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट, एंगल डी इज 45 डिग्री, नंबर वन दे दिया करस्पॉन्डिंग एंगल, अब एंगल डी प्लस एंगल ए ये पूरा मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक लाइन है, अब समझ में आया, हमने क्यू डी बनाया था ताकि हम 45 यहाँ पे, तो इसको भी 45 बता सके, फिर 45 प्लस ए, या फिर ऐसा कहो ए प्लस 45 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री, ए प्लस 45 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री, क्यू, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। सो ए लिखा 45 जो प्लस था वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, 180 में से 45 माइनस करोगे तो ए 135 आएगा, अब ए 135 है तो बी भी 135 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो एंगल ए इज एंगल इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर एंगल ए 135 है सो एंगल बी भी कितना होगा, 135 डिग्री फ्रॉम 2, ये मुझे कैसे मालूम पड़ा बी 135 है, क्योंकि ए 135 था, 2 नंबर दिया था उसको, इसलिए बी भी कितना होगा, 135, मुझे कहाँ से मालूम पड़ा, फ्रॉम 2 से, समझ में आ गया। अब आगे का तो बहुत सिंपल है, ये तो शायद आप ही देख के बता दोगे, चलो मैं पूछ लेता हूँ आपको, बी 135 है तो सी कितना होगा, यस 135, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये एक लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है, सो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, या फिर यू कहो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल सी कितना है, 135, क्यों, एंगल बी 135 था तो एंगल सी भी कितना होगा, 135, लास्ट में लाइन लिख देने का जो आपको फाइंड करने को बोला था, एंगल ए 135, एंगल बी 135, एंगल सी 135 डिग्री, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, अगले क्वेश्चंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।